जब फ्लावरिंग में फूल सड़ने लगते हैं तो ज़्यादातर कोई भी फंजीसाइड काम नहीं करता है, ये हम सभी को मालूम है। लेकिन अगर पौधों की हेल्थ अच्छी हो और पौधों में नाइट्रोजन लेवल कंट्रोल में हो तो रोको से इस सड़न को रोका जा सकता है। इसका अनुभव आप सभी को है। तो रोको का इस्तेमाल फ्लावरिंग में कैसे करें, इसका कंटेंट क्या है, रोको का डोज, रोको की कीमत क्या है, इस तरह के सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे, साथ में अंत में आज की खास बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। रोको में थायोफेनिड मिथेल 70% WP फॉर्मुलेशन में उपलब्ध है। WP का मतलब वेटेबल पाउडर है। दोस्तों रोको एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है जो पत्तियाँ और जड़ों से आसानी से अंदर जाता है और पौधों के सभी हिस्सों में फैल जाता है। रोको रोगों का इंफेक्शन होने से भी रोकता है। रोको एंथ्रेक्नोस, सर्कोस्पोरा, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, अंगूर के फ्लावरिंग में आने वाले बोट्राइटिस, सेब में आने वाले एप्पल स्कैब, मिर्च टमाटर जैसी फसलों में आने वाले फ्यूजरिंग विल्ट जैसे रोगों को कंट्रोल करता है। दोस्तों इसके स्प्रेइंग के बाद 2 घंटे बारिश नहीं होनी चाहिए जिससे इसके 100% रिजल्ट आ सके, मतलब इसका रेन फास्टनेस 2 घंटे का है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को आप पसंद करते हो तो लाइक के साथ साथ शेयर भी किया करो, इससे मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों रोको में फाइटोटॉनिक और एंटी फंगल इफेक्ट है। इसके एस एटम की वजह से यह इफेक्ट मिलता है। यह एस एटम का मतलब सल्फर है। दोस्तों स्प्रेइंग के लिए रोको हम किसान 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम रोको का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंपनी का दावा है कि 1 एकड़ के लिए सिर्फ 200 ग्राम रोको स्प्रेइंग करें। दोस्तों अंगूर, सेब, टमाटर, मिर्च जैसी फसलों में इसका फ्लावरिंग के शुरुआत में स्प्रे करें और साथ में फ्लावरिंग के पूर्व में ही ड्रेंचिंग करें। या भी हम किसान 1 एकड़ के लिए 1 किलो रोको का इस्तेमाल करते हैं, वही कंपनी का दावा यह भी है कि ड्रेंचिंग के लिए सिर्फ 500 ग्राम रोको 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों इसका सही इस्तेमाल सीड ट्रीटमेंट में करें जिससे बीजों को कोई फंगस ना लग सके। रोको का सीड ट्रीटमेंट के लिए 1 से 1.5 ग्राम रोको 1 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल करें। तो अब चलते हैं आज की खास बात की तरफ। दोस्तों कमेंट में एक किसान ने पूछा कि कंपनी के ब्रांड अच्छे रिजल्ट देते हैं कि वही कंटेंट वाला दूसरे कंपनी का अदर प्रोडक्ट अच्छे रिजल्ट देता है। इस सवाल का जवाब सरल है और आसान है। आप एक ध्यान में ले कि प्रोडक्ट के ऊपर जो कंटेंट और उसकी जो मात्रा लिखी होती है कंपनी के प्रोडक्ट में भी वही मात्रा होती है। जैसे समझो रोको में थायोफेनिड मिथेल 80% है और भारत इंसेक्टिसाइड के टर्बाइन में भी थायोफेनिड मिथेल 80% है, तो ये समान रिजल्ट देंगे। लेकिन यह समान रिजल्ट में आपको ब्रांड महंगा मिलता है, तो खर्च से बचे कंटेंट पर ध्यान दें। और दूसरी बात, वही दूसरी कंपनी के थायोफेनिड मिथेल की मात्रा अगर प्रोडक्ट पर कम लिखी होगी तो आसान है, सरल है कि उसके भी रिजल्ट हमें कम ही मिलेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जो नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।